आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ाई तो हरिद्वार राज्यश्री ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कक्षा 8वीं चतुर्भुज की रचना के विषय में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हम चतुर्भुज की रचना से संबंधित कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए चतुर्भुज की रचना के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो जब भी बच्चों जब चतुर्भुज की रचना की बात आती है तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है या किन किन चीजों की जरूरत होती है, चलो चलिए पहले उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। जैसे कि एक चतुर्भुज की जब हम रचना करेंगे कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं उसके लिए, है ना। जैसे कि अगर आपके पास दिया हुआ जैसे कोई आपको चतुर्भुज बनाना है तो उसमें चार भुजाएं होती है, है ना। चतुर्भुज में चार भुजाएं आपके पास दी गई है, चार भुजाएं 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस प्रकार से आपके पास ये चार भुजाएं दी गई है, है ना। अब आप इसमें से एक आयत की रचना भी कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। आप जानते हैं आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उस प्रकार से आप एक आयत की रचना भी कर सकते हैं। साथ ही आप 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आप एक समांतर चतुर्भुज की रचना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास दी गई भुजाओं के आधार पर आपने एक आयत की रचना भी कर दी और एक समांतर चतुर्भुज की रचना भी कर दी, लेकिन आप एक निश्चित चतुर्भुज की रचना नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो दी गई भुजाओं के आधार पर बस आप एक चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनके आधार पर एक आयत की रचना भी कर सकते हैं, एक समांतर चतुर्भुज, तो एक सही निश्चित चतुर्भुज की रचना आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके पास 5 चीजें न हो। एक चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम आपको 5 चीजें जरूरी होंगी, उसमें से 4 भुजाएं भी हो सकती हैं, साथ में एक कोण भी हो सकता है, है ना। आपके पास 2 भुजाएं भी हो सकती हैं, तीन कोण भी हो सकता है, है ना। 3 भुजाएं भी हो सकती हैं, 2 कोण भी हो सकता है, 4 भुजाएं भी हो सकती हैं, 1 विकर्ण भी हो सकता है, क्योंकि विकर्ण भी चतुर्भुज का एक महत्वपूर्ण अंग है ना, जो शीर्ष को आमने सामने के शीर्ष को सम्मुख शीर्ष को मिलाती हुई रेखा है विकर्ण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक चतुर्भुज के लिए कम से कम 5 चीजों की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शर्तों के आधार पर हम चतुर्भुज की रचना करना सीखते हैं, है ना। इसमें सबसे पहला जो शर्त है कि जब आपके पास दी गई है एक 4 भुजाएं, जब आपके पास दी गई हो 4 भुजाएं और एक विकर्ण, ठीक है, आपको चतुर्भुज की रचना करनी है जब आपके पास दी गई हो 4 भुजाएं और एक विकर्ण, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक चतुर्भुज क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है, उस चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है जरा देख लीजिए, इस चतुर्भुज के लिए आपको कौन कौन सी भुजाओं के बारे में दिया गया है, विकर्णों के बारे में क्या क्या दिया गया है। तो ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, है ना, ये आपको लिखना जरूरी है, जब भी आपके पास इस प्रकार से चतुर्भुज की रचना के बारे में कहा जाए तो आपको ये लिखना जरूरी है कि आपके पास क्या क्या दिया गया है, ए बी ए डी भुजा सी डी बी डी
और बी सी बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसका एक कच्चा सा चित्र पहले बना लेते हैं बिना रचना के ही, कि आपके पास ये चतुर्भुज है, इसकी एक कच्ची आकृति हम बना लेते हैं यहाँ पर से, है ना। कच्ची आकृति मतलब एक बिना माप के, कि हमारे पास ए बी सी डी ये चतुर्भुज है जिसमें ए बी दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, जिसमें बी सी दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर सी डी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, है ना, और ए भी दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। और वही आपका एक विकर्ण दिया हुआ है, क्योंकि हमारा ये शर्त है कि एक विकर्ण भी हो, कम से कम हमारे पास 5 चीजें हैं, तो उस विकर्ण के बारे में दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तब आपके पास ये चतुर्भुज की रचना इस प्रकार से होगी। तो ये हमारी कच्ची आकृति है, अब चलिए इसे हम रचना करते हुए बनाते हैं। अब इसकी रचना हम कैसे करेंगे, एक चतुर्भुज की रचना हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको स्केल की भी आवश्यकता होगी, इसके लिए आपको प्रकार की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से यहाँ पर जो हमारा विकर्ण है बीडी, ठीक है, विकर्ण बीडी के लिए हम स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का ये खींचते हैं, ये हम इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर का, है ना। आप मैं इसका नाप थोड़ा सा ज्यादा लेती हूँ, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर का मैंने ये माप लिया, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर का ये माप लेकर के मैंने बी डी एक रेखाखंड खींचा 4 सेंटीमीटर का माप लेकर के, अब डी से और बी से बी को केंद्र मान करके आप बिंदु ए लाने का प्रयास करेंगे, वैसे ही बी और डी को भी केंद्र मानकर नीचे की ओर या ऊपर की ओर आप बिंदु सी लाने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि तो हमारे पास एक कच्ची आकृति दी गई है। तो सबसे पहले हम ऊपर की ओर ये बिंदु ए को लाने का प्रयास करेंगे, कैसे लाएंगे, अब बिंदु बी से ए के लिए 2.5 सेंटीमीटर का नाप लेंगे पहले स्केल की सहायता से, ये प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से आपको 2.5 सेंटीमीटर का क्या लेना है, इसमें चाप काटना है, ऐसा त्रिज्या लेकर के 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के आपको ये ऊपर की ओर चाप काटना है, ये 2.5 सेंटीमीटर का, वैसे ही आपको डी बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटना है, तो ये आपने 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटा है। अब स्केल की सहायता से अब ये जो आपको कटान बिंदु मिला है इसे आप ए नाम दे देंगे। तो पहला काम आपने किया बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर, है ना, बिंदु बी को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से आप 2.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, है ना। उसके बाद बिंदु डी को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, ठीक है। अभिष्ट जो कटान बिंदु हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या नाम देंगे, अभिष्ट कटान बिंदु को हम बी डी से सर मरवा लेंगे। हेलो, अभिष्ट कटान बिंदु को हम ए बिंदु नाम देंगे, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब स्केल की सहायता से इस कटान बिंदु को मिला देंगे, ये इस प्रकार से ये हमने मिला लिया और ये इस प्रकार से हमने मिला दिया, ठीक है, ये कटान बिंदु और ये कटान बिंदु, ठीक है। ये जो बी से ए तक की दूरी थी वो 3.5 सेंटीमीटर थी, और ये ए से डी से ए तक की जो दूरी थी वो 3.5 सेंटीमीटर थी, है ना, ये लिखना बिल्कुल ना भूले। उसके बाद आपको एक ऊपर के त्रिभुज का ये वाला हिस्सा तो आपको मिल गया, अब आपको नीचे के हिस्से की रचना करनी, जो हमारी कच्ची आकृति दिखाई दे रही है उसमें से आप देखिए आपको यहाँ पे अभिष्ट से बिंदु प्राप्त करना है। तो बिंदु बी से बी सी के लिए 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटिए, ठीक है,
ये नीचे की ओर आप प्रकार की नोक को इस प्रकार से बिंदु भी पे रखेंगे और यहाँ नीचे की ओर आप क्या करेंगे चाप काटेंगे कितने सेंटीमीटर का 4.5 सेंटीमीटर का। ये आपने चाप काट दिया ठीक है 4.5 सेंटीमीटर का आपने चाप काटा। उसी प्रकार से सी डी से सी के लिए ये देखिए डी से सी के लिए आपको 3 सेंटीमीटर का चाप काटना है। तो ये इधर से आपने ये इस प्रकार से आपने चाप काटा ठीक है। अब अभिष्ट जो कटान बिंदु आया उसे आपने सी नाम दिया और स्केल की सहायता से आप उसे इस प्रकार से मिला दीजिए ठीक है। ये मिला तो ये 3 सेंटीमीटर का आपने चाप काटा था और ये आपने 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा था। तो इस प्रकार से अभिष्ट अब यहाँ पे लिख भी लीजिए पुनः बिंदु बी को केंद्र मानकर चार दशमलव 5 सेंटीमीटर का चाप नीचे की ओर हमने काटा। आप हाँ बेटा बोलिए नहीं देते उसी प्रकार से आपने बिंदु डी से 3 सेंटीमीटर का चाप काटा ठीक है। और जो अभिष्ट कटान बिंदु हमें प्राप्त हुआ अभिष्ट कटान बिंदु जो आपको प्राप्त हुआ उसे हमने क्या नाम दिया सी नाम दिया और स्केल की सहायता से उसे मिला दिया। इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी हमें प्राप्त हुआ ठीक है। तो जब भी हम कच्ची आकृति इस प्रकार से बनाते हैं तो हमें बहुत आसानी हो जाती है कि हम किस प्रकार से कहाँ से किस बिंदु से हम कितना हम चाप ले प्रकार की सहायता से हम किस बिंदु से कितना हम कटान बिंदु यहाँ के कितने सेंटीमीटर का यहाँ पर हम चाप काटे तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हमने पहला जो शर्त पढ़ा चारों भुजाएं और एक विकर्ण जब दी गई हो तब हम चतुर्भुज की रचना किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले आपने विकर्ण को खींचा है ना विकर्ण के बाद दोनों ही बिंदुओं से आपने ऊपर की ओर और नीचे की ओर दिए गए लंबाई के अनुसार आपने चाप काटा और अभिष्ट कटान बिंदुओं को ए और सी नाम दिया और उसे स्केल की सहायता से मिला दिया। इस प्रकार से हमें अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ कब जब हमारे पास चार भुजाएं और एक विकर्ण दी गई हो। अब हमारे पास दूसरा शब्द ये है आपको अगर कोई बात समझ में ना आए बेटा तो आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम दूसरे शर्त की ओर जा रहे हैं अब वो शर्त कौन सा है मैं इसे मिटा रही हूँ। अब हमारे पास दूसरा शर्त है तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कम से कम 5 चीजें जब तक के पास आपके चतुर्भुज के लिए 5 चीजें आपको न मिले तब तक चतुर्भुज की निश्चित रूप से रचना है ना एक निश्चित माप की चतुर्भुज की रचना करना मुश्किल होता है ना। तो कम से कम 5 चीजें हमारे पास होनी चाहिए ठीक है। अब बारी है जब हमारे पास 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दी गई हो ठीक है। जब हमारे पास 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दी गई हो तब हम किसी चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे। हमारे पास 3 भुजाएं और 2 विकर्ण जब दिए गए हो तब हम चतुर्भुज की रचना कैसे करें ठीक है। तो दिया गया है क्या दिया गया है जब भी हम सवाल हल करते हैं तो हमारे पास जो दिया गया है एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस जिसमें क्या क्या दिया गया है पी क्यू की माप दी गई है 2.5 सेंटीमीटर है ना आर एस बराबर 3 सेंटीमीटर क्यू आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर पी आर जो भुजा है उसकी माप है 4 सेंटीमीटर और क्यू एस जो भुजा है उसकी माप है 5 सेंटीमीटर।
तो चलिए पहले इसकी एक अच्छी आकृति बना लेते हैं फिर से। हाँ अच्छी आकृति, ये P Q R S, ठीक है। अब यहाँ P Q की माप दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। R S की माप दी गई है, R S की माप दी गई है 3 सेंटीमीटर, Q R की माप दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, P R जो कि आपका विकर्ण है उसकी माप दी गई है 4 सेंटीमीटर, है ना। और क्यू एस जो कि आपका दूसरा विकर्ण है इसकी माप दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपकी कच्ची आकृति बन गई। अब इसके आधार पर आप चतुर्भुज की रचना आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, किस प्रकार से करें हम चतुर्भुज की रचना, ठीक है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं क्यू आर, है ना। यहाँ पर आप एक भुजा देख रहे हैं क्यू आर, जिसके दोनों ओर से इन भुजाओं की माप दी गई है, इन भुजाओं की माप दी गई है। तो हम उन्हीं इसी क्यू आर भुजा को, हम किसी भी भुजा को ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यू आर जो भुजा आपको दिखाई दे रही है इसके दोनों ओर इन दोनों भुजाओं की माप दी गई है। तो हम आसानी से चाप काटने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए उसी क्यू आर आप किसी भुजा के माप ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पहला जो रचना का पद लिख रही हूँ उसमें सबसे पहला मैं दे रही हूँ क्यू आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर का हमने क्या खींचा, रेखाखंड। इसके लिए आप इसे स्केल की सहायता से खींचिए, है ना। आपकी चित्र को मैं बड़ा दिखाने के लिए मैं माप थोड़ा ज्यादा लूंगी, ठीक है। आप बिल्कुल सही माप लेंगे स्केल की सहायता से, 3.5 मतलब 3.5, ठीक है। तो ये 3.5 जैसे आपने लिया तो ये आपकी आकृति इस प्रकार से बनेगी। क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्यू की ओर से आप ऊपर की ओर 2.5 सेंटीमीटर का चाप काटिए, किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से, ठीक है। तो ये प्रकार की सहायता से आप इस प्रकार से स्केल से आप 2.5 सेंटीमीटर का आप क्या लेंगे, स्केल की सहायता से एक त्रिज्या लेंगे 2.5 सेंटीमीटर का, और उस बिंदु के ऊपर रख करके ऊपर की ओर आप क्या करेंगे, चाप काटेंगे। ये जो चाप जैसे आपने काटा ये 2.5 सेंटीमीटर का आपने ये चाप काट दिया, ठीक है। अब वैसे ही आप आर बिंदु पर प्रकार के नोक को रख करके 3 सेंटीमीटर का चाप काटिए, ठीक है। ये आर बिंदु पर ये चाप आप जितना लंबा कर सकते हैं ये आपकी इच्छा है, ठीक है। ये भी स्केल की सहायता से आप लेंगे, स्केल की सहायता से आप इसमें प्रकार को रख करके, है ना, आप इसमें 3 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, चाप काटेंगे। जैसे कि आपका ये स्केल है तो यहाँ से 1 2 3, तो ये इस प्रकार से आप रख करके क्या करेंगे, चाप काटेंगे, ठीक है। ये ऐसे 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, तो ये आप इस प्रकार से ये आर पर रखें और ये ऐसा इसमें चाप काटें, ठीक है। तो आपने ये चाप काट दिया ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बिंदु Q से ही एक विकर्ण ये SQS दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसकी लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो Q से आप 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के, ठीक है, क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का चाप लीजिए स्केल की सहायता से ही। ये इस प्रकार से आपने लिया और ये रख करके आपने चाप काटा, ठीक है। तो Q से आप 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के ये अभिष्ट बिंदु पर जो कटेगा उसका नाम हो जाएगा S, ठीक है। वैसे ही R से आप 4 सेंटीमीटर का प्रकार की सहायता से स्केल से माप करके आप एक चाप लेंगे, है ना, 4 सेंटीमीटर का ये
ठीक है। तो ये आपने इसे मिला दीजिए, तो ये जो आर बिंदु से आपने ये जो चाप लिया है, ये जो कटान बिंदु आपको मिल रहा है इसे अभीष्ट पी बिंदु नाम दिया आपने, ठीक है। अब स्केल की सहायता से जो भी कटान बिंदु है उनको उनके बिंदुओं से मिलाते चलिए, ये और ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अभीष्ट पी क्यू आर एस चतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो चलिए फिर से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब भी आपके पास तीन भुजाएं और दो विकर्ण दी गई हो तो उसमें आप किसी भी भुजा को लेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आर एस भुजा को भी लेकर के बना सकते हैं, पी क्यू भुजा को भी लेकर के बना सकते हैं, है ना, आप किसी भी विकर्ण को भी लेकर के बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया क्यू आर भुजा, ये यहाँ पर आपकी जो क्यू आर भुजा है, सबसे तो पहले मैंने क्यू आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। फिर दूसरा काम मैंने क्या किया, क्यू से मैंने बिंदु क्यू से 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर प्रकार की सहायता से चाप काटा, है ना, कि त्रिज्या लेकर प्रकार की सहायता से चाप काटा। ठीक, वैसे ही फिर से मैंने बिंदु क्यू से आप यहाँ पे सीधे डायरेक्ट यहाँ पे भी चाप काट सकते हैं, बिंदु क्यू से ही 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेकर की सहायता से चाप काटा, ठीक है। अभी आपने चाप काट लिया है, उसी प्रकार से आप अब दूसरा जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है वो है आर, बिंदु आर की सहायता से बिंदु आर, है ना, बिंदु आर से 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर चाप काटिए जो अभीष्ट विकर्ण बनाएगा, ठीक है। ये और फिर से हम बिंदु आर से ही, देखिए बिंदु आर से, है ना, यहाँ पे नाप लिखना ना भूलेंगे, नाप को देखना है बच्चों बच्चों को, है ना। बिंदु आर से हमने 4 सेंटीमीटर का चाप काटा और बिंदु आर से ही हमने 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर शार्प काटा प्रकार की सहायता से, है ना, प्रकार की सहायता से चाप काटा। अभीष्ट कटान बिंदुओं को, है ना, ठीक है, बिंदु आर की ओर से जो आपको मिलेगा अभीष्ट कटान बिंदु वो एस होगा और बिंदु क्यू की ओर से आपको अभीष्ट कटान बिंदु जो प्राप्त होगा वो बिंदु पी होगा, और सभी बिंदुओं को आप स्केल की सहायता से मिला लेंगे और उनकी जो दूरी है जैसे कि आर एस की दूरी थी 3 सेंटीमीटर, पी एस की दूरी जो नहीं दी गई थी, है ना, आर पी की दूरी है 4 सेंटीमीटर और ये क्यू एस की दूरी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी क्यू की जो दूरी है वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको अभीष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस प्राप्त होगा जिसकी शर्त है 3 भुजाएं व 2 विकर्ण, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आपके पास 3 भुजाएं 2 विकर्ण दी गई हो तब आपके चतुर्भुज की रचना आप इस प्रकार से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप किसी भी भुजा का माप लेकर के आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली जो शर्त है
शर्त है वो है, जब आपके पास चार भुजाएं और एक कोण दिया हो, तब आप एक चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे? आपके पास जब चार भुजाएं और एक कोण दिया हो, तब आप किसी चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे? चलिए आइए देखते हैं। तो दिया गया है, क्या दिया गया है? एक चतुर्भुज। हमको एबीसीडी की रचना करनी है, चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करनी है। ये चतुर्भुज का संकेत चिन्ह है, जैसे हम त्रिभुज के लिए त्रिभुज बनाते हैं, वैसे चतुर्भुज के लिए चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, चतुर्भुज एबीसी, जिसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें कोण ए बराबर 60 अंश दिया गया है, इसमें ए बी जो भुजा है उसकी 3 सेंटीमीटर दी गई है, उसमें बी सी बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, और डी ए बराबर दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास भुजाएं दी गई हैं और कोण का माप दिया गया है। कुल पांच, लगभग इसमें पांच चीजें दी गई हैं जिसके आधार पर आपको इस चतुर्भुज की रचना करनी है। तो इसकी फिर से हम वैसे ही कच्ची आकृति पहले बना लेते हैं। कच्ची आकृति आपको रचना के पद और रचना करने में सुविधा प्रदान करती है, इसलिए हमें एक कच्ची आकृति का निर्माण यहाँ पे कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ए ए बी सी डी, ये आपका चतुर्भुज ए बी सी डी है, कच्ची आकृति है, क्योंकि ये बिना माप की है ना, बिना माप की है, तो यहाँ पे आप ये मत देखिए कि यहाँ पे कौन सा सही कौन सा गलत। तो ए बी का माप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया गया है, बी सी का माप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया गया है, सी डी का माप यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और ए डी डी ए जिसे हम डी ए या ए डी कहें वही मतलब है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक शर्त और रखा गया है कि इसमें जो अभीष्ट कोण का माप जो दिया गया है ना, वो है कोण ए का माप जो है वो 60 अंश दिया गया है, क्योंकि ये कच्ची आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 अंश हम अभी केवल दिखाने के लिए संकेत के रूप में यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं इस कच्ची आकृति का, जो हमें रचना के पद लिखने और रचना करने में सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए अब हम रचना करते हैं उस कच्ची आकृति की मदद से, रचना करिए। तो रचना करने के लिए सबसे पहले हम भुजा, किसी भुजा से शुरुआत करेंगे, तो हम भुजा ए बी से शुरुआत करते हैं। भुजा ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का हम क्या खींचेंगे? पहले रेखाखंड खींचेंगे, किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। ठीक है, आप स्केल की सहायता से क्या करेंगे? भुजा बी सी ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। चलिए खींचिए, 1 2 3, तो ये हो गया 3। तो मैं थोड़ा सा माप ज्यादा ले रही हूँ, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का हमने क्या खींचा? रेखाखंड खींचा। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का हमने ये रेखाखंड खींचा है ना। अब रेखाखंड खींचने के पश्चात यहाँ पर बिंदु ए पर जो दिया गया कोण है वो है 60 अंश। बिंदु ए पर जो दिया गया कोण है उसका माप है 60 अंश। ठीक है, तो हम इस प्रकार की सहायता से या फिर हम चांदी की सहायता से बिंदु ए पर हम क्या कर सकते हैं? कोण बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारे पास चांदा भी है, बिंदु ए पर हमने चांदी को रखा और हमने 60 अंश का, ये हमारा 60 अंश का ये हमें प्राप्त हुआ, और स्केल की सहायता से हम इस बिंदु से मिला लेंगे। बिंदु से ये मिला लिया, ये बन गया 60 अंश का कोण। ठीक, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये चलिए 60 अंश का कोण बन गया है ना। अब ए से, ये 60 अंश का जो कोण बना है, तो ए से आप 4.2 सेंटीमीटर का चाप काटिए प्रकार की सहायता से। प्रकार की सहायता से ये स्केल से आप नाप ले करके 4.2 सेंटीमीटर का आप यहाँ पे चाप काटिए, ये बन गया 4.2 है ना, 4.2 सेंटीमीटर का चाप आपने काटा, जो बिंदु बी पर आपको कटान बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, पहले क्या किया? ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा,
उसके बाद आपने 60 अंश का कोण बिंदु ए पर बनाया, ठीक है, और उस कोण पर आपने 4.2 सेंटीमीटर का चाप काटा जो बिंदु डी पर कटता है, ठीक है। तो बिंदु डी पर जब ये कटा तो ए डी बराबर आपको 4.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड प्राप्त हुआ। तो हमारा इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया ये। अब बारी आती है बिंदु बी, ठीक है। बिंदु बी से सी प्राप्त करने के लिए, है ना, सी, ये बी सी भुजा प्राप्त करने के लिए आपको 4 सेंटीमीटर का क्या करना होगा, प्रकार की सहायता से चाप काटना होगा, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का आप स्केल की सहायता से यहाँ पे माप लीजिए, फिर से 4 सेंटीमीटर, ये देखिए 4 सेंटीमीटर का आप यहाँ पे माप लेंगे और इस प्रकार से बिंदु बी पर रखेंगे और यहाँ पर ऐसा चाप काटेंगे, ठीक। तो ये अभी कटान बिंदु हमें प्राप्त नहीं हुआ है, चूंकि ये आपने बिंदु बी से काटा है। अब जो अगली जो भुजा है वो बिंदु डी से सी, मतलब सी डी प्राप्त करने के लिए आपको 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटना होगा, कहाँ से, बिंदु डी से, ठीक है। अब बिंदु डी से आप 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे ऐड करके रख करके चाप काटिए स्केल की सहायता से माप ले करके। तो जो अभिष्ट कटान बिंदु आपको प्राप्त हुआ यहाँ पर वो है सी, है ना। अब स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को मिला दीजिए। तो बी सी बराबर आपने चाप काटा था 4 सेंटीमीटर का, और डी से सी की ओर भी आप इस रेखाखंड को पहले मिला दीजिए, ये आपने मिला दिया और 3.5 सेंटीमीटर का आपने चाप काटा था। तो उस माप को लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो बच्चों इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने ए बी एक रेखाखंड खींचा 3 सेंटीमीटर का, बिंदु ए पर आपने 60 अंश का कोण बनाया, ठीक है। 60 अंश का कोण बनाने के बाद जो आपको एक रेखा, एक किरण यहाँ पे प्राप्त हुई है ना, उस किरण पर आपने 4.2 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे आपको अभीष्ट रेखाखंड ए डी बराबर कितना मिला, 4.2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, ठीक है। अब बिंदु बी से आपने 4 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या लेकर के प्रकार की सहायता से चाप काटा, और बिंदु डी से आपने 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के प्रकार की सहायता से चाप काटा जो अभीष्ट कटान बिंदु सी पर करता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें सी डी बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ये बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, ठीक है। और सभी रेखाओं को जब हमने, सभी बिंदुओं को जब हम स्केल की सहायता से मिलाते हैं तब हमें अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त होता है। आया सभी को समझ में? तो ये था तीसरा शर्त। अगली शर्त की ओर हम चलते हैं। अगली जो शर्त है वह क्या है, अगली जो शर्त है आपकी, जब दो भुजाएं दी गई हों या तीन भुजाएं दी गई हों और दो कोण आपको दिए गए हों, तब आप एक चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल आप पूछिए, ठीक है। अगली जो शर्त है ये चौथा शर्त है, बिल्कुल सभी शर्तों को ध्यान में रखिए। जब आपके पास तीन भुजाएं दी गई हो और दो कोण दिए गए हो तब आप एक चतुर्भुज की रचना किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि चतुर्भुज में क्या क्या दिए गए हैं। दिया गया है एक चतुर्भुज पी क्यू आर एफ, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया है, पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 4 सेंटीमीटर,
बराबर 110 अंश और कोण आर बराबर 80 अंश। ठीक है, ये आपके पास दिया गया है। बिल्कुल पहले की तरह कच्ची आंकड़े की तरह ना भूलिए, जो आपको बहुत आसानी से रचना करने में सहायता करता है। ठीक है, कच्ची आंकड़े की तरह ये PQRS। ठीक है, कच्ची आंकड़े की बनाने के बाद बिल्कुल उसके माप को भी लिखना ना भूलिए। PQ की माप है 3.5 सेंटीमीटर, QR की माप है 4.5 सेंटीमीटर, आप केवल यहाँ पे दिखाने के लिए लिखिए ये 80 अंश का है और ये वाला जो है 110 अंश का। ये केवल दिखाने के लिए ना, कच्ची आकृति सही आकृति ही है, ये केवल दिखाने के लिए जो आपको आसानी से रचना के पद और रचना करने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो फिर से हम रचना करते हैं। रचना की करते हैं चतुर्भुज की, हमें रचना करनी है पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज की, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे क्या लेंगे, बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पर क्यू आर को हम लेते हैं। ठीक है, इस क्यू आर भुजा को लेते हैं। सबसे पहले हम रचना के पद में हम लिखते हैं, यहाँ पर रचना के पद में लिखते चलते हैं साथ साथ, जो आपको आसानी से पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, रेखाखंड खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर का, आप रेखाखंड खींचेंगे किसकी सहायता से, ये तो हमने ये खींच लिया स्केल की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर का रेखा, जो कि हम स्केल से लेंगे तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी बात समझिए, ये 4.5 सेंटीमीटर। अब क्यू और आर दोनों पर क्या बने हुए हैं, कोण बने हुए हैं। बिंदु के ऊपर भी कोण बना हुआ है और बिंदु आर पर भी कोण बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, चांदी की सहायता से क्यू पर जो कोण बना हुआ है उसकी माप है 110 अंश। ठीक है, कोण क्यू बराबर 110 अंश दिया हुआ है, तो ये हम 110 अंश का माप यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो बिंदु Q पर हमें एक किरण प्राप्त होगी, ये ऐसा, इसे हम X नाम दे देंगे। ठीक है, किरण X प्राप्त हुई और ये बन गया 110 अंश का कोण। ठीक है, वैसे ही आप बिंदु R पर भी क्या करेंगे, 80 अंश का कोण बनाएंगे चांदी की सहायता से। चांदे के केंद्र बिंदु को आप बिंदु किस पर रखेंगे, आर पर रखेंगे और है ना, शून्य से गिनती करते हुए यहाँ पर आप 80 अंश। ठीक है, ये 80 अंश के पास आप पहुंच गए और उसे निशान लगा लीजिए और उसे बिंदु आर से मिला लीजिए। तो इस प्रकार से आपको बिंदु आर पर एक किरण प्राप्त होगी आर वाई। ठीक है, और ये हो गया 80 अंश। तो हमने क्या किया, दूसरा काम हमने किया कोण क्यू बराबर 110 अंश का कोण बनाया। ठीक है, जिससे हमें एक क्यू आर ये किरण प्राप्त हुई और सॉरी क्यू एक्स किरण प्राप्त हुई और वैसे ही हमने कोण आर बराबर 80 अंश का ये कोण बनाया, तो हमें जो किरण प्राप्त हुई वो है आर वाई किरण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या दिखाई दे रहा है, इस कच्ची आकृति को देखिए। अब क्यू पी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिंदु क्यू को केंद्र मानकर, बिंदु क्यू को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से आप इस किरण क्यू एक्स पर कितने सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। फटाफट से चाप काटिए,
स्केल के साथ इसे माप लीजिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से माप लेना चाहिए और प्रकाश बिंदु को बिंदु के ऊपर रखिए और कितने हैं सेंटीमीटर का 0.5 सेंटीमीटर का ये आपने क्या काट दिया, चाप काट दिया। ठीक है, वैसे ही आप आर बिंदु को केंद्र मान करके कितने सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, इस आर वाई किरण पर 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। तो बिल्कुल वही क्रिया बनाते हुए आप प्रकार की नोक को रखिए और 4 सेंटीमीटर का क्या काटिए, चाप काटिए। जब आपने बिंदु Q से ये चाप काटा तो किस बिंदु पर ये, तो जो अभिष्ट Q एक्स किरण पर अभिष्ट जो बिंदु आपको कटान बिंदु मिलेगा वो P है, और R पर जो आपने चाप काटा वो जो कटान बिंदु है वो S है। क्यों में S, क्योंकि R से जो दूरी है S की वो 4 सेंटीमीटर, तो ये अभिष्ट कटान बिंदु S और ये P। अब स्केल की सहायता से आप इसे लगा दीजिए। चतुर्भुज प्राप्त हुआ पी क्यू आर एस। तो ये देखिए, ये जो चित्र है और ये जो चित्र है इसमें अंतर दिखाई दे रहा है ना, तो ये कच्ची आकृति और ये पक्की आकृति, क्योंकि आपने इसे रचना करके बिल्कुल सही सही माप ले करके बनाया है। ठीक है, तो रचना के बाद आप लोग अब आसानी से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं अगली शर्त की ओर। तो बच्चों इसी प्रकार से और भी जो शर्तें हैं उन्हें भी आप देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, है। तो आशा करती हूँ आपने जो भी आज सीखा होगा बहुत अच्छे से सीखा होगा, और आप भी ऐसे ही प्रयास कीजिए, और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।